अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अप टेट्स यूट्यूब चैनल विवर्स एमएस वर्ड कोर्स में वेलकम करता हूं। आज की क्लास नंबर 9th में हम पढ़ेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, मैंने एमएस वर्ड को यहां पे ओपन कर लिया है, एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है एमएस वर्ड 2013। विवर्स, अब मैं आपको बता दूं, मैं होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन में मौजूद हूं और ये लास्ट फंक्शन है फॉन्ट सेक्शन का। बाकी हमने सारे फंक्शन जो है वो पढ़ लिए हैं। यहाँ पे जैसे मैं कर्सर लेके गया हूँ, आपको कैपिटल ए के साथ एक छोटी सी इरेजर नजर आएगी, जिसकी मैंने कर्सर ऊपर रखा तो फौरन उन्होंने मुझे बता दिया ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। मतलब एक क्लिक में आप सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो। पहले वाला टेक्स्ट जो है वो आपका टेक्स्ट पहली हालत में वापस आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब सिंपल मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, मैं इसको जो है वो सेंटर में ले आता हूँ। अब इसके ऊपर जो है वो कुछ फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने इसका कर दिया जी इम्पैक्ट कर दिया मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल। अब मैं इसका साइज फॉन्ट का भी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आ सके। उसके बाद मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके साथ ही मैं फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया व्यूअर्स, अब आपके सामने मैंने कितनी चीजें जो इसके ऊपर अप्लाई कर दी हैं। अब मैं सिंगल क्लिक के साथ सारी फॉर्मेटिंग इसकी खत्म कर दूंगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉन्ट सेक्शन में जो है वो आपने क्लियर आर फॉर्मेटिंग के ऊपर आना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा एम एस वर्ड 2013 अगेन उसी हालत में वापस आ चुका है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर कंट्रोल प्लस जी या कंट्रोल प्लस वाई भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कि मतलब हम कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते जाएं तो हमारा पहली हालत में इसने सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है। मैं एक बार दोबारा आपको करके दिखा देता हूं। मैं इसको सेंटर में लेके आता हूं और इसका फॉन्ट स्टाइल चले मैं अब कुछ चेंज कर देता हूं और यहां से मैं इसका थोड़ा सा यहां पे बड़ा कर देता हूं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया। अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, मैं इसको इटैलिक कर देता हूं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं और इसका कलर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मैंने इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो एक मिनट क्या एक क्लिक के ऊपर जो है वो खत्म करनी है। इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉन्ट सेक्शन के क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन के ऊपर आ जाऊंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा पहली हालत में वापस आ चुका है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एमएस वर्ड के हवाले से मजीद आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।